हेलो दोस्तों, सरोज एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ हरी रोटी कैसे बनाए, गोल मटोल सी फूली फूली कैसे बनाए। तो फिर चलिए ये वीडियो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। मेथी की एकदम नई रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हरी मेथी ली है। आप चाहो कोई सी भी साइज की आती है, एक तो छोटी छोटी आती है वो सबसे ज्यादा बेस्ट रहती है, एक थोड़ी सी ऐसे डंठल से आता है वो भी ले सकते हो। अगर डंठल टाइट हो तो आपको फिर पीसने के बाद छानना है, अगर नॉर्मल पत्ते वाली है आपके पास तो फिर उसे छानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सारी हरी मेथी को मैंने यहाँ पर छोटी छोटी साइज में ऐसे कट कर लिया है, ऐसे आपको कट कर लेना है। पूरी मेथी को मैंने पीस लिया है, छोटी साइज की मैंने पहले मेथी ली है, तो मैं इसे क्या करूँगी, छानूंगी नहीं, इसे ऐसे ही यूज में लेंगे। एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें लाल मिर्च डालेंगे, फ्रेश लाल मिर्च हो तो फ्रेश लाल मिर्च या हरी मिर्च भी ले सकते हो आप, और एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा। और ये जो मेथी अपन ने कट की है वो सारी इसमें ऐड करके इन्हें ग्राइंड कर लेंगे इन सभी को। गेहूं का आटा लेंगे, गेहूं के आटे को छान लेंगे, चाहे आप बारीक कण वाला लो चाहे मोटे कण वाला लो, क्योंकि थोड़े से भी रफ कण नहीं होने चाहिए गेहूं के। और इसमें ये जो पेस्ट है वो सारा पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। देखिए पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी से अपन आटा लगा लेंगे। इसमें पानी ऐड नहीं करना है, पहले मिक्स कर लेंगे। ये देखिए पूरा आटा ऐसे ही लग जाएगा और ऐसे ही गूंथ लेंगे। थोड़ी सी मुझे नेसेसरी लग रही है पानी की, तो थोड़ा सा पानी और डालेंगे और ऐसे करके सारा आटा अपन गूंथ लेंगे। आटे में ये मेथी मिक्स कर लेंगे। सारे आटे में मेथी मिक्स हो चुकी है और सारा आटा ऐसे लगा लेना है और इसे ऐसे इकट्ठा करेंगे। और ये ड्राई आटा जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ये पहले से मैंने छान लिया है और छना हुआ थोड़ा सा ड्राई आटा लेंगे। और रोटी बनाते हैं वैसा ही आपको आटा लगाना है, और जितनी साइज की आप रोटी बनाते हो, पतली तो पतली साइज की आपको लोई लेनी है, मीडियम तो मीडियम, और मोटी बनाते हो तो मोटी साइज की आपको लोई लेनी है। और इसे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। गोल गोल कैसे घुमा रही हूँ, ऐसे करके ऐसे घुमाना है आपको, वो बिल्कुल षटकोण की तरह बना लेना है। परांठा वगैरह नहीं बनाएंगे इसके, इसलिए इसे गोल मटोल कर लेना है। जितना ज्यादा षटकोण गोल मटोल होगा बेलने में भी उतनी ही आसानी होगी और रोटी अपने गोल मटोल बनेगी। देखिए बिल्कुल गोल मटोल हो चुका है, इस पर थोड़ा सा ये ड्राई आटा लगाएंगे और एक चकला लेकर इसे ऐसे गोल मटोल बेल लेंगे। अभी ये देखिए थोड़ी सी ड्राई आटा परफेक्ट रहेगा तो गोल मटोल बेलेगी, और बार बार ऐसे ऐसे पलटने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, ये अपने आप ही गोल मटोल बनती जा रही है। देखिए सारी रोटी मैं बेल चुकी हूँ, ऐसे आपको बेल लेना है गोल मटोल से। अगर आपसे गोल मटोल नहीं बनती है तो आप किसी कटर से भी कट कर सकते हो, या कोई ऐसे रोटी जितना टिफिन हो उससे भी कट कर सकते हो। और ये थोड़ा सा ड्राई आटा ज़्यादा नहीं लगाना है, और थोड़ा सा लगा हुआ है उसे ऐसे अपन झाड़ लेंगे। नीचे से गैस ऑन करके एक मिट्टी का तवा लेंगे, आप लोहे का तवा भी ले सकते हो, और इसे चारों तरफ से अच्छे से गर्म करेंगे। लेकिन ज़्यादा टेस्ट बढ़ेगा अगर आप मिट्टी का तवा लेंगे, अगर आपके पास पॉसिबल हो तो आप मिट्टी का तवा लीजिएगा। और यहाँ पर तवा अपना गर्म हो चुका है, रोटी को ऐसे लेंगे और ऐसे डालेंगे और आगे से हल्की सी से कच्ची सेकेंगे। और अब चेक करेंगे, आगे से हल्की सी ये कच्ची सेक चुकी है, अभी इसे पलट देंगे, इसे अच्छे से सेकेंगे। तो और जब अपन एक बार चेक करेंगे, ये देखिए हल्की सी करारी हो चुकी है, थोड़ा सा एक दो बार ऐसे करेंगे, इसे कहीं से भी थोड़ी सी भी कच्ची रही पीछे से वो भी सिक जाएगी। अभी इसे पलट देंगे और फूलने का वेट करेंगे। ये अपने आप ही ये फूलना स्टार्ट हो गई है अपनी गोल मटोल सी रोटी, बिना हाथ टच की। और जब ये फूल जाए तो हल्की सी अपन इसे गोल मटोल सा ऐसे घुमाएंगे भी इसे। और ये लीजिए फूली फूली अपनी रोटी तैयार हो चुकी है। परांठे से ये तीन गुना टेस्टी लगेगी, और इस पर ये लगाएंगे देसी घी, और ये टेस्टी सी हरी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। कोई सावधानी बरतने की जरूरत नहीं, कोई ट्रिक नहीं है। मेथी की रोटी आप आसानी तरीके से ऐसे बना सकते हो, परांठे भी बना सकते हो, लेकिन फिर वो ऑयल वगैरह ये ज़्यादा हो जाता है, स्किन में ऐसे फुंसियाँ फोड़े हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है आप ऐसे रंग बिरंगी रोटी बना सकते हो, कोई सी भी फ्रूट की भी बना सकते हो, चुकंदर की, गाजर की, ऐसे आप बहुत सारी रोटियाँ बना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा।